दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा में चर्चा हुई। चर्चा से पहले केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होना था। वकील की मांग पर कोर्ट ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की छूट दे दी। केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सत्र के कारण वे आज कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके। अगली सुनवाई 16 मार्च को है, उस दिन वे कोर्ट में पेश होंगे। दरअसल शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने केजरीवाल को 5 समन जारी किए थे, लेकिन वे जांच एजेंसी के पास एक बार भी नहीं पहुंचे। इसके बाद ईडी ने राउन एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी। 14 फरवरी को कोर्ट ने केजरीवाल से कहा था कि आप 17 फरवरी को अदालत में हाजिर होकर पेशी में न जाने की वजह बताएं। हाजिर न होने के लिए एप्लीकेशन दी गई, जो कोर्ट ने स्वीकार कर ली और केजरीवाल जी वीसी के थ्रू कोर्ट में अपियर हुए और उनकी हाजिरी लग गई। केजरीवाल ने कोर्ट को क्या कहा आज? कोर्ट यही कहा कि आज वो इसलिए नहीं आ पाए कि आज बजट सेशन है और ट्रस्ट मोशन है, इसलिए आज वो बिजी है, नहीं आ पाए। तो अगली सुनवाई सर 16 मार्च? 16 मार्च को है और मेरे को ये केजरीवाल जी ने कहा है कि उस डेट पर वो पेश होंगे। तो उस दिन सर जमानत भी लेनी होगी? जी, जमानत भी लेनी होगी।